हमने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था, इसके बारे में बताएंगे जो मच्छर जिससे नहीं आते हैं, इसको कड़वी बस कहते हैं। ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान में मिल जाएगी। इससे ज़्यादा मच्छर वच्छर नहीं आते हैं और हम इस्तेमाल कर चुके हैं जब हम आपको लोग को बता रहे हैं। इससे जाल में एकदम मच्छर नहीं आते हैं। इस्तेमाल कैसे करना है, इसको आप पहले ऐसे ऐसे करके तोड़ लीजिएगा। ये देखिए हमने तोड़ कर रखी है। आगे फिर आप इमाम दस्ता हो या हथौड़ी हो, जो भी हो, इसमें आप डाल दिएगा। ऐसे 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 करके तोड़ लिएगा थोड़ा। ऐसे खोल जाना चाहिए वो। निकाल रही हूँ, हाथ में निकाल रही हूँ। ये देखिए हमने इसको तोड़ लिया, खुल गई है। और आप लोग कोई सूती का कपड़ा ले लीजिए, ये देखिए ऐसा, जिससे देखिए मेरा हाथ आर पार दिख रहा होगा। थोड़ा हल्का कपड़ा होना चाहिए। फिर उसमें आप थोड़ी बहुत अपने हिसाब से बांध लीजिएगा, ऐसे पोटली करके, सद्दी से या तागे से, जो भी हो आपको जिससे बांधना है बांध लिया। ऐसे करके जाल में कोने कोने में बांध दिएगा। जितने आप जितना बड़ा जाल उस हिसाब से बांध दिए, मच्छर एकदम नहीं आते हैं। 99% मच्छर नहीं आते हैं। हमने इस्तेमाल करी है और आप करके देखिएगा एक बार। चलिए आपको इंशाल्लाह ऐसे करके देखिए, इसे कड़वी बख्श कराती है ये। किसी भी पंसारी की दुकान पे आपको मिल जाएगी है, ले लीजिएगा। ये मिली थी हमें 50 रुपए की, 20 ग्राम मिली थी, 50 रुपए की 20 ग्राम। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी, और नेक्स्ट वीडियो आपको इंशाल्लाह बहुत पुराने कबूतरों की हम आपको शो करेंगे। मेरे पास बहुत पुरानी वीडियो पड़ी है, वो आपको शो करेंगे, आप लोग देखिएगा, जब हम गोले गिराबाज सब पाले हुए थे। चलिए हम आप लोग को एक चीज़ बताना भूल गए थे, इसलिए वीडियो के आखिरी में ये आंगन पोटलियाँ बना ली हमने। बनाने के बाद थोड़ी पोटली को आप पानी में ऐसे करके भिगो लिएगा, फिर ऐसे एकदम झटक कर दिया, एकदम सूख जाए पानी है, फिर आप फिर टांग दिएगा, फिर खुशबू खुल जाएगी और अच्छा रहेगा। ये हमने दोनों भिगो लिए हैं, हम भूल गए थे बताना, ऐसे कर लिएगा। चलिए ठीक।